बिसम हम डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव्स में हमने बात अभी की है फॉरवर्ड की फ्यूचर्स की उसमें अगर इफ़ यू कैन रिकॉल होता क्या था कि हम एक रेट में लॉक कर लेते हैं अपने आप को अगर हमने करेंसी की बात की तो हमने कहा जी हमें डॉलर मिलेगा एक सौ साठ पे तो अब हम इस पर लॉक हो गए अब अगर रेट हो जाए एक सौ सत्तर तो वील बी हैप्पी कि हमें दस रुपये बच गए लेकिन हमें रेट क्या पड़ेगा एक सौ साठ लेकिन अगर रेट हो जाए एक सौ पचास तो हमें फिर भी रेट क्या पड़ेगा 160 कि फॉरवर्ड में और फ्यूचर में क्या होता था हमें लॉक हो जाते थे अब हम एक नया डेरिवेटिव पढ़ने लगे इंक्रीमेंटल वन विच इज़ अ बेटर वन दैट इज बेटर इन अ सेंस के ये इसकी अपने फीचर्स हैं डेफिनेटली चॉइस इज डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन एंड वट कॉस्ट वी आर विलिंग टू इनकम दैट इज कॉल्ड ऑप्शन अब ये ऑप्शन मार्केट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अलाउज बट डज नॉट रिक्वायर अलाउज मतलब क्या है कि इन्वेस्टर के पास एक चॉइस आएगी अगर आप ये करना चाहें तो आप कर सकते हैं अगर आप ना चाहें तो आपके लिए बाइंडिंग नहीं है यानी कि अगर मैं वही पिछली वाली बात अगर रिपीट करूं तो अगर मेरे पास ऑप्शन हो कि आई कैन बाय डॉलर्स एट द रेट ऑफ 160 तो ये मेरे पास ऑप्शन है तो अगर तो वो रेट हो जाएगा 170 का मार्केट में तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूँगा और 160 का उनसे ले लूँगा लेकिन अगर रेट मार्केट में हो जाए 155, 150, 145 तो मैं फिर कहूँगा कि आई विल नॉट एक्सरसाइज माय ऑप्शन तो वो मेरे पास चॉइस आ गई कि आई वांट टू डू इट एंड आई डोंट वॉन्ट टू डू इट सो दैट्स अ न्यू एरिया न्यू फिनना बट डेफिनेटली ऑल पर्कस कम विद अ कॉस्ट तो इसके साथ एक उसकी एसोसिएटेड कॉस्ट भी होगी कि वहाँ पे फॉरवर्ड में हम जीरो सम गेम की बात करते थे कि वो लॉक करता था यहाँ पे हमें फिर उसकी कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी तो ये किस किस पे हो सकते हैं ये भी डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स पे ऑप्शंस आप ले सकते हैं ई पे भी स्टॉक्स पे भी बॉन्ड्स पे भी मल्टीपल एसेट्स पे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और अच्छी चीज़ इसमें ये भी है कि ये स्टैंडर्डाइज भी होते हैं एंड दे आर कैन बी कस्टमाइज एंड फॉर योर पर्टिकुलर नीड्स एज वेल दे आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये हमें समझना भी जरूरी है आई एल गो वेरी स्लो इसको ईजीली समझ लें और आई एल रिक्वेस्ट यू कि इस पर थोड़ी सी जरा रिसर्च भी करें गूगल दैम लर्न अबिट अबाउट एट मर्केंटाइल स्टॉक्स चेंज को देखें थोड़ी सी आपको इससे फेमुलरिटी इंक्रीज करेगी वन इज़ कॉल ऑप्शन एंड वन इज़ पोर्ट ऑप्शन अब ये दो तरह की मेन ऑप्शन है जो कि एग्जिस्ट करती हैं हमारे पास एंड देन वी गोइंग टू सी हाउ दे रिलेट

हम ये कहेंगे कि ये उसने कॉल ऑप्शन का ये बायर है देन पुट ऑप्शन पुट ऑप्शन इज अगेन राइट टू सेल राइट टू सेल मतलब कि मेरे पास एक चॉइस है कि मैं चाहूँ तो इतने का बेच सकूँ यह बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन uh, है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं और मुझे डर लगता है कि इनकी प्राइस कहीं गिर ना जाए तो मैं क्या करूंगा उनकी पुट ऑप्शन खरीद लूंगा ख़रीद लूंगा का मतलब ये है कि आई विल पे सम प्रीमियम बाय दोज ऑप्शन विच विल बी गिविंग मी द पुट ऑप्शन राइट कि इफ़ आई वांट आई कैन सेल इट एट दैट पर्टिकुलर प्राइस तो वो मुझे कोई एडवांटेज हो जाएगा कि अगर प्राइस गिरी तो मैं एटलीस्ट इस प्राइस पे इन सेकेंड पार्टी को बेच सकता हूँ तो ये हम दोनों बात कर रहे हैं कि एक कॉल ऑप्शन है एक पुट ऑप्शन है तो जो बायर होगा उसके पास राइट होगा और जो सेलर होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उसको ऑनर करे और वो क्यों करेगा बिकॉज डेफिनेटली इन दी रिक्वायर सम प्रीमियम फॉर दैट तो उसको बिगनिंग में कुछ उसकी पेमेंट मिलेगी इसको भी हम फर्दर भी डिस्कस करते हैं जो बायर और शेयर की बात है इसमें दो सिचुएशन है एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है लॉन्ग मीन हु हैज़ द राइट हु इज टेकिंग अ बाय पोजिशन शॉर्ट इज समन हु इज राइटिंग और सेलिंग द पोजिशन तो इसमें हमारे पास क्या ब्यूटीफुल आ गई बात कि आपने बाय कर लिया ऑप्शन सो यू हैव द राइट टू एक्सरसाइज आपके पास चॉइस है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉल ऑप्शन ले ली एक शेयर पे कि मैं इसको 80 रुपीस का परचेज़ कर सकता हूँ तो अब मेरे पास राइट right है कि मैं 80 रुपीस का परचेज़ करूँ। अब आप लोग बताएं हम कब ख़रीदेंगे शेयर अगर 100 का होगा तो एक्सरसाइज करेंगे या साठ का होगा ऑब्वियसली जब शेयर की प्राइस ज़्यादा होगी तो आई प्रेफर टू बाय इट फ्रॉम माय ऑप्शन अगर मार्केट में साठ का मिल रहा है तो मैं इनसे अस्सी रुपए का तो बिल्कुल नहीं करूंगा लेकिन मुझे शुरू में इसको ऑप्शन ख़रीदने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे दैट इज़ कॉल्ड ऑप्शन प्रीमियम तो अगर मेरी ऑप्शन वेस्ट होती है तो आई आई लूज दैट अमाउंट अगर ऑप्शन एक्सरसाइज हो गई है और मुझे लट से दो डॉलर की मैंने वो दो रुपीज़ की या दो डॉलर की अमाउंट ली थी एंड आई सेव्ड ट्वेंटी डॉलर तो नेट मुझे एटीन डॉलर मिल जाएंगे बट पॉइंट इज़ के एक सैलर है जिसको कॉल राइटर भी कह रहे हैं हम और एक उसका बायर है जो बायर है उसके पास राइट right है कि वो क्या एक्शन ले सकता है इसमें अच्छी चीज़ होगी क्या होगी क्या जब फेवरेबल मूवमेंट है आपकी करेंसी की इंटरेस्ट रेट की तो आप उसको इंजॉय कर सकेंगे एडवर्स मूवमेंट से आप अपने आप को सेफ कर लेंगे थ्रू दिस ऑप्शन तो ये इसकी ब्यूटी है ऑप्शन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन बायर्स एंड सेलर दैट परचेजर द राइट टू बाय और सेल पर्टिकुलर एसिड एट अ लेटर डेट अब वो किसी टाइम फ्रेम की भी बात हो सकती है जिसमें हम वो कर सकते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आर यूज इन सिक्योरिटीज कमोडिटीज रियल इस्टेट्स में भी ये ट्रांजेक्शन इनकी एग्जिस्ट करती हैं और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वर्क देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन फाइनेंशियल मार्केट्स एक एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन भी हैं जो कि स्टैंडर्डाइज होंगी मार्केट्स में ट्रेड हो रही होती हैं उसमें यू हैव टू इट और इसके अपोजिट पार्टी में क्लियरिंग हाउस होता है लाइक like फ्यूचर्स लेकिन इसमें वन टू वन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जो बैंक्स के साथ आप कर सकते हैं वो आपके लिए हो सकते हैं वो कस्टमाइज भी होते हैं तो बहुत टाइप्स ऑफ ऑप्शन आर देयर द मेन फीचर ऑफ़ एक्सचेंज ट्रेड ऑप्शन सजेस कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड राइट टू बाई 100. स्टैंडर्डाइज जब होगा तो उसमें एक क्वान्टिटी होगी कि मिनिमम आप 100 शेयर लेंगे और उसकी एक टाइम लाइन होगी कि इस टाइम लाइन के अंदर डेट्स के अंदर हम इसको लेंगे इसमें फर्दर कुछ टाइप्स भी आएंगी वो हम आगे जाके इसको डिस्कस कर रहे होंगे तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चार्जेज अब मार्केट बेस्ड फील्ड जिसको प्रीमियम कहा जाता है कि ये शुरू में आपको प्रीमियम देना पड़ता है जो बायर राइट right लेना चाहता है वो एक प्रीमियम देगा और वो राइटर को ये उसकी इंसेंटिव होगा ये उसके लिए इनकम होगी वाई डाज एन ऑप्शन कॉन्टैक्ट मैटर ये क्यों इंपॉर्टेंट है एज वी टोल्ड यू विच गिव ट्रेडर द अपॉर्चुनिटी टू हैज देयर स्टॉक पोजिशन हैजिंग हमारी हो गई यानी कि डाउन साइड या जो नेगेटिव साइड है वो हमने कैप्चर कर ली लेकिन अप साइड या पोटेंशियल टू गो अपे विद सो दिस इज अ ब्यूटी सो यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम द फेवरेबल मूवमेंट थैंक यू